ऐश्वर्यता की प्राप्ति है, वैकुंठ की प्राप्ति है। और ये जो मृत्यु लोक है ये वैकुंठ का द्वार है। अन्य किसी लोक से सीधे आप वैकुंठ चले जाएं इसकी संभावना कम है। मृत्यु लोक में जो जीव आया है वो अपने कर्मों की श्रेष्ठता से, अपने आचरण की शुद्धता से ईश्वर को साध सकता है। ईश्वर के लिए कहा कि वो भाव के बस में है और भाव जीव के बस में है। नारायण को अपने अनुकूल कर सकने वाला ये जीवन। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म का अंश, अमृतस्य पुत्रा, उसका है अंश है और उसी में जाके मिलने की चेष्टाएं की जा सकती हैं। जब स्वयं ब्रह्मा भी नारायण की प्रेरणा से सृष्टि का निर्माण करने लगे तो कोई एक पहली कृति ऐसी बनी जिससे देख के विष्णु भी इतराए कि ये क्या सुंदर बनाया है। ब्रह्मा को भी संतोष हुआ कि हां अब मेरा कार्य पूरा हुआ। और वो है आपका जीवन जिसके निर्माण के बाद स्वयं परमात्मा प्रसन्न हुए, अन्य जीव भी बने, पशु, कीट, पतंगे, अंडज, बीजज बने। लेकिन सबसे श्रेष्ठ जिसे कहा गया वो मनुष्य है। और केवल एक चीज हमें अन्य से भिन्न कर देती है, वो है हमारी बुद्धि, हमारा विवेक। आज की कथा बुद्धि और धर्म के संबंध की है। बुद्धि यदि धर्म से विपरीत चले तो बुद्धि तो रोती ही है, लेकिन धर्म भी बिलख उठता है। क्योंकि धर्म का पोषण भी आपकी बुद्धि, आपके विवेक से ही संभव है। जब आपका मन लगे उसमें तो मन पे एक नियंत्रण हो जाए, ऐसी साधना होनी चाहिए। यदि भोजन अभी किया और आपकी क्षुधा नहीं मिटी तो वो भोजन नहीं है, कुछ और है। आप प्यासे हैं और आपने जल लिया और प्यास नहीं मिटी तो फिर वो जल भी नहीं है। तो यदि तो जीव है और मनुष्य अपने आप को कहता है और वो यदि ईश्वर के काम ना आया तो फिर वो जीव भी नहीं है, वो मनुष्यत्व भी नहीं है इसके अंदर। जीवन के कुछ आदर्श लिए जाएं कि जीवन कैसे जिया जाए। कभी संतों की टोलियों के बीच से गुजरेंगे, कभी कुंभ से गुजरेंगे, कभी तपस्वी महनीय गुरुजनों के पास जाएंगे तो बड़ी सहज ही शब्द सुनाई देता है। एक दृष्टांत कि एक लकड़ी है जो चूल्हे में जाती है, उस पर भोजन पकाया जाता है और अगले दिन उस चूल्हे को साफ किया जाता है तो वो राख एक बर्तन में लेके बाहर घूरे पे फेंक दी जाती है, नाली में बहा दी जाती है। बंद भेजा है, आपके अंदर सारी चीजें हैं, आप देव भी बन सकते हैं, आप असुर भी बन सकते हैं, आप अच्छे भी बन सकते हैं, बुरे भी बन सकते हैं, आप सत्य के सहायक बन सकते हैं और आप असत्य को बढ़ाने वाले भी बन सकते हैं। कभी स्वयं का आकलन हो। और जिस तरह एक शिल्पकार हौले हौले एक पत्थर पर चोट करता है और धीरे धीरे करके उसे पता है कितनी चोट करनी है। जैसे कुम्हार किसी पात्र को बना रहा है तो उसे पता है उस पात्र पर कितनी चोट करनी है जिससे वो पात्र टूट न जाए। तो आपको पता है आपका जीवन किस दिशा में जा सकता है, आपकी क्षमताएं क्या हैं। नहीं पता है तो पता करिए और फिर उनको हौले से वो दिशा दीजिए। कभी आत्मनिरीक्षण करिए कि मैं किस लायक हूं, मैं क्या बन सकता हूं, मैं कहीं ईश्वर के लिए उनके किसी कार्य में सहयोगी तो नहीं बन सकता। एक छोटी सी गिलहरी राम सेतु के समय बार बार पानी में भीगती है और अपनी शरीर में मिट्टी लपेट लेती है और राम सेतु पर छिड़क के फिर आती है। ईश्वर को बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इसी से राम प्रसन्न हो गए। गिलहरी को हाथ में ले लिया, कहा क्यों री गिलहरी, इतना बड़ा राम सेतु बन रहा है, तू खामखा परेशान हो रही है, अपने शरीर को गीला करती है, मिट्टी यहां झड़ाती है, कितने दिन जिएगी, तेरा तो जीवन नष्ट हो जाएगा। तो गिलहरी बोली, हे नाथ, आपने जितनी क्षमता मुझे दी है, जिस लायक मुझे बनाया है, मैं उतना ही कर सकती हूं और जिस लायक मैं हूं उसकी सबसे श्रेष्ठ ढंग से मैं आपकी सेवा कर रही हूं। भगवान इतने से प्रसन्न हो गए, 3 उंगलियां छाप दी। आज भी उस पे वो 3 भगवान राम के चिन्ह अंकित हैं। कुछ नहीं चाहिए, कोई दूरवा अंकुरों से प्रसन्न हो जाता है, रोली चावल से, फूल पत्ते एक लोटा पानी से प्रसन्न हो जाता है। उसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि आप प्रसन्न रहें। तो कभी आत्मनिरीक्षण करें कि मैं क्या हूं, स्वयं पर कभी विजय प्राप्त करने का ऐसा संकल्प लें कि अब मैं स्वयं पर विजय प्राप्त करूंगा। आज समर्थ गुरु रामदास के मन में आया कि मैं आज मैं अपना आत्मनिरीक्षण करता हूं कि मैं किस कद का हूं, मैं कितनी ऊंचाई वाला हूं या कि मैं कुछ भी नहीं। सुबह भोर में, सूर्योदय के समय, प्रभात की प्रथम बेला में आश्रम छोड़ दिया। किसी को बताया नहीं कि मैं कहां जा रहा हूं। अपनी झोला लिया और निकल गए गांव में भिक्षाटन करने। प्रथम घर पे पहुंचे, जोर से पुकारा, जय जय रघुवीर समर्थ, ऐसे पुकारा जाता है वहां भिक्षा के लिए। तो अंदर एक मैया बैठी है और सुबह सुबह का समय है, वो अपने चौका बना रही है, चूल्हे पे पोता कर रही है पोतना से, और वहीं बैठी है। और इतने में गुरु का उच्च स्वर वहां आया। 2-3 बार हुआ, गुरु जाने लगे। उन्होंने सोचा एक बार और पुकारूं। तो इससे पहले वो पुकारते कि अंदर जो मैया बैठी थी, जो सुबह के अपने कर्म कर रही थी, चूल्हे पे पोता फेर रही थी, उसे बड़ा क्रोध आया कि ये और सुबह सुबह आ गया। तो उसने वहीं से वो पोतना जिससे चूल्हे को पोत रही थी फेंक के मारा बाहर।